बीच कर्नल बैसला का बयान आया है, हम कर रहे हैं वार्ता के लिए इंतजार, ट्रैक पर मंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार है, कहा लोग 50 मीटर की दूरी पर बैठ जाएंगे, यहां आराम से हो सकेगी बातचीत। कर्नल बैसला और मंत्री विश्वेंद्र सिंह में संवाद फोन पर हुई, विश्वेंद्र सिंह और कर्नल में बातचीत, कर्नल ने कहा कोई छोटा बड़ा नहीं, मंत्री चाह रहे हैं मलाडना में हो बातचीत। तो ये इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां पे संकेत ये दिया जा रहा है कि अब एक बार फिर से ट्रैक पे ही बातचीत हो, हालांकि विश्वेंद्र सिंह के रुख को देखकर लगता नहीं है कि अब ट्रैक पे बातचीत होगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ट्रैक पर पहुंच गए हैं और आज ये उम्मीद की जा रही है कि वार्ता शुरू होगी और बात से बात बनेगी। कर्नल बैसला से हम पूछ लेते हैं, विश्वेंद्र सिंह मलारना में मौजूद है, वो ट्रैक पर आने वाले थे, क्या हुआ, कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, ये बात हम कर्नल साहब से जान लेते हैं। कर्नल साहब, क्या आज कल रात को ये था जब अध्ययन कर लिया आपकी टीम ने कि आज कुछ बात आगे बढ़ेगी, तो अभी क्या सिचुएशन है? देखो मुझे उम्मीद है उनके आने की, उम्मीद राजस्थान की जनता को भी है, आपको भी है, और मुझे लगता है सरकार को आपसे ज्यादा होनी चाहिए उम्मीद है। तो ये डेडलॉक कहाँ बन रहा है, अब क्या दिक्कत आ रही है? हमारा कोई डेडलॉक नहीं, आप डेडलॉक वाली बात काहे को कर रहे हो? तो अब विश्वेंद्र सिंह से आपका संवाद हुआ होगा? आ जाएंगे। तो क्या माने थोड़ी बहुत देर बाद यहाँ ट्रैक पर बातचीत होगी या आप प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे? इंतजार यही कर रहे हैं, यही आएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, चूंकि आप विधिक तौर पर इस पूरे मामले को देख रहे थे? देखिए, सरकार ने मंत्रिमंडलीय उच्च कमेटी बनाई है, सरकार का दायित्व बनता है, वो जो कमेटी बनी है उसका दायित्व बनता है वो आए और वार्ता करे और जो बात है उसको अपनी बात को रखेगी। राज्य सरकार का क्या कहना है कि हमारा जो विधेयक है कानूनी रूप से बिल्कुल सुदृढ़ है, उसमें कोई पेचीदगियां नहीं है, आगे चल के वो कहीं नहीं अटकेगा। कमेटी आके वार्ता तो करे, हम तो बैठे इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ। कमेटी वार्ता करें, आपसे बात हुई है विश्वेंद्र सिंह की, क्या मतलब किस तरह से लग रहा है, पॉजिटिव? सुबह उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो SDM ऑफिस में पहुंच गए हैं मलारना में, और वो श्रद्धांजलि देने के बाद मेरे पास टेक्स्ट भी आया कि आई एम एट मलारना, आई रीच देयर भाई, ऐसे करके मेरे पास टेक्स्ट भी आया। और मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको ये कहा था कि जैसे ही आप वो ख़त्म कर लें, हम लोग भी पहुंच ही रहे हैं ट्रैक पे, जो जैसे ही हम ट्रैक पे पहुंचेंगे हम आपको मैसेज कर देंगे, आप आ जाइएगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि ट्रैक पर मंत्री? उनसे यही हुई थी कि वो ट्रैक पर ही आएंगे, और उससे पहले भी यही बात हुई, जब पिछली बार आए थे तब भी यही बात हुई कि ट्रैक पर आएंगे, तो उसमें कोई बात है ही नहीं, सबके सामने बात। बहुत प्रोएक्टिवली सोच रहे हैं कि हो जाएगा, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकले और हम सब जाएं। आखिरी सवाल बड़े साफ गोई से, मान लीजिए वो एक प्रतिनिधि मंडल बुलाते हैं तो क्या इसको लेकर कोई आप में सहमति बन सकती है? विचार कर सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि मंडल क्या हम सभी प्रतिनिधि मंडल हम सब यहीं बैठे हुए हैं? इसमें जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो हमने भेज चुके हैं, हम एक व्हाट्सएप भी भेज चुके हैं सब कंसर्न पीपल को कि भैया ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, फटाफट कर दें, जितना जल्दी करें वो हम उसके लिए। सर आखिरी सवाल, क्या जो रात को आप लोगों ने जो कहा था कि ये कोर्ट में यदि चैलेंज होता है उस पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? उसी का इंतजार कर रहे हैं। कर्नल बैसला ट्रैक पर पहुंच गए और आज निश्चित तौर पर थोड़ा जल्दी पहुंचे हैं, तो अब इंतजार इस बात का है कि बात शुरू हो। विश्वेंद्र सिंह मलारना में मौजूद हैं, जो कैबिनेट उप समिति बनी है उसके वो सदस्य हैं, इसके अलावा 2 मंत्री और हैं। यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद करें आज का सूरज जैसे जैसे चढ़ रहा है कोई अच्छी खबर भी निकल कर आएगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मलारना डूंगर स्टेशन।